आज आपने विषय रखा है कि माँ अहिल्याबाई के सपनों का भारत। स्वभाव कहां से बनना शुरू होता है? जोर से बोलना शुरू। आप लोग शांत हैं, मैं कोई बौद्धिक नहीं होगा कि मैं एक तरफा बोलूंगा, ऐसे लगातार बोलते रहिए। कहां शुरुआत होता है? बचपन से। कितने महीने शुरू हो जाता जन्म के पहले? आज की डेट में जो वैज्ञानिक कह रहे हैं बच्चा मां के पेट से सीखना शुरू कर देता है, ये हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने कहा है, लिखा है और उसकी व्यवस्था बनाई है। आज की डेट में डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 3 महीने में बच्चे का ये बन जाता है, 6वें महीने से सुनना शुरू कर देता है, समझना शुरू कर देता है, अभिमन्यु की कथा है। 9 महीने के बाद पैदा होता है तो डॉक्टर कह रहे हैं 6 महीने तक केवल माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, अन्न 6 महीने के बाद शुरू करना चाहिए। इसकी व्यवस्था हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में बहुत पहले से ही है। आज की डेट में डॉक्टर ये कह रहे हैं कि बच्चा जो है 3 साल तक उसको स्कूल मत भेजिए, 3 साल के बाद उसको स्कूल भेजिए। इसकी व्यवस्था भी हमारे वेद पुराणों में है, उपनिषदों में है, कब बच्चे को स्कूल भेजना है, कब उसको भोजन कराना है। और जो सबसे अंतिम, वैसे तो पहले 40 संस्कार बताए थे गौतम ऋषि ने, उसके बाद अंगिरा ऋषि ने 25 संस्कार बताए, बाद में जो लेटेस्ट सबसे बाद में हुआ जो आज तक चल रहा है वो महर्षि व्यास का है। उन्होंने कहा था कि 16 संस्कार जरूर करना चाहिए। उसमें पहला संस्कार है गर्भधारण संस्कार, दूसरा यह है कि बच्चा जब पेट में 3 महीने का हो जाए, तीसरा संस्कार है जब बच्चा 6 महीने का हो जाए, चौथा संस्कार है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो नाल जब काटी जाती है उसके पहले, नाल काटने के बाद फिर 11वें दिन नामकरण संस्कार, उसके बाद फिर अन्नप्राशन, ऐसे ऐसे करते करते 15वां संस्कार है विवाह संस्कार, 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार। तो आज मैं अभी थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले, आप ही लोगों में बहुत सारे लोग थे वहां साथ में, और मैंने आप लोगों के जो इश्यूज थे उसको नोट किए। आपने करीब 50 लोग रहे होंगे वहां पे, आप सब बैठे हुए थे, तो 55 लोग। मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई आपके हिसाब से क्या क्या समस्या है, बहन जी भी हैं, कई बहुत लोग दिख रहे हैं मुझे वहां बैठे हुए। आप में से किसी ने कहा कि संस्कार हमारे गिरते जा रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि नागरिक कर्तव्य बोध नहीं है, आप में से एक ने कहा कि टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है, आपने एक से कहा कि सांप्रदायिकता बढ़ती चली जा रही है, कट्टरवाद बढ़ता जा रहा है, एक ने बताया जाम बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन आपने बताया, आपने बताया कि शिक्षा बहुत महंगी हो रही है, आपने बताया चिकित्सा बहुत महंगी हो रही है, आपने बताया शुद्ध हवा शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है इंदौर के लोगों को। आप में से कुछ लोगों ने बोला कि लोग भारत को बाद में रखते हैं, पहले नेता और पार्टी को रखते हैं, यानी दल गुलाम हो गए और नेताओं के गुलाम हो गए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि राष्ट्रप्रथम की भावना कम हो गई है। आप में से किसी ने कहा कि न्याय व्यवस्था एकदम सुस्त हो गई है, सड़ चुकी है, आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, नशा की संस्कृति बढ़ रही है, अश्लीलता बढ़ रही है, ब्लू फिल्में बढ़ रही हैं, स्कूल कॉलेजों में ब्लू फिल्में दिखाई जा रही हैं, माओवाद, नक्सलवाद, अवैध निर्माण, जमीनों पे झूठे मुकदमे, झूठी गवाही, झूठे केस, अदालतों में तारीख पे तारीख, थाने दलाली के अड्डे बन गए हैं, तहसीलों में जो है कमीशनखोरी चल रही है, ऐसा 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 आपने सबने बताया। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि केवल दैवीय समस्या छोड़ के, बिजली का गिरना, वज्रपात होना, भूकंप आना, आंधी तूफान आना, ज्वार भाटा आना, इसको छोड़ के प्रत्येक समस्या का समाधान है, हर बीमारी का इलाज है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई
दवाई नहीं। जोर से बोलिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। तो अब बात यह है कि आपके पास शरीर के डॉक्टर तो है, MBBS, MD, न्यूरोसर्जन, फला सर्जन, फला सर्जन, फला सर्जन। तो ये समाज की समस्या का डॉक्टर कौन है? ये जो सामाजिक समस्याएं हैं जो आपने इतनी गिना दिया, इसका इलाज कौन करेगा? तो ये जो सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान है, ये हमारे समाज के डॉक्टर है। एक्चुअल में पूरा इलाज इन्हीं को करना है। दुर्भाग्यवश वो इलाज कर नहीं रहे बल्कि बीमारियों को बढ़ा रहे। वो जातिवाद जो 2000 साल पहले शुरू हुआ, जो भारत में कभी था ही नहीं, भारत में जाति व्यवस्था थी नहीं, वर्ण व्यवस्था थी, उस जाति के जहर को घोल रहे, जाति के जहर को खत्म नहीं कर रहे। वो भाषावाद बढ़ा रहे, वो क्षेत्रवाद बढ़ा रहे, वो मजहबी उन्माद बढ़ा रहे, मजहब के आधार पर तोड़ रहे। जानते हैं किस लिए तोड़ रहे? फायदा क्या उनको? या तो वोट का फायदा या तो नोट का फायदा, दो चीजों के लिए, या तो वोट का फायदा या तो नोट का फायदा। जहां जहां वोट दिखता है या नोट दिखता है वो काम कर देते हैं, जहां वोट नहीं दिखता, जहां नोट नहीं दिखता वो काम नहीं करते। उदाहरण के लिए, आप समस्याओं को नोट डाउन शुरू करिए, लिखना शुरू करिए। एयर ट्रैफिक, एयर पोल्यूशन, सड़क पे जाम, रेल में जाम, जेल में जाम, थाने में जाम, थाने में भीड़, तहसील में भीड़, जिले में भीड़। मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट इसलिए मैं कह रहा हूं, जमीन 2% है, पानी हमारे पास दुनिया का 4% है, रहने वाले दुनिया के 20% हो चुके हैं। लेकिन इस पे न संसद में चर्चा होती है, न विधानसभा में चर्चा होती है, न हाईकोर्ट में चर्चा होती है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होती है, और सबसे छोड़िए, न न्यूज चैनल पे चर्चा होती है। हमारे समस्याओं पे चर्चा होती है, मूल कारण स्थायी समाधान पे चर्चा नहीं होती। जैसे एयर पोल्यूशन की लोग बात करते हैं लेकिन मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, इसकी बात नहीं करते। गरीबी की बात करेंगे, मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, इसकी बात नहीं करेंगे। बेरोजगारी की बात करेंगे, कुपोषण की बात करेंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की बात करेंगे, मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, इसकी बात नहीं करेंगे। बढ़ते अपराध का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। अरे बड़ी स्वाभाविक सी बात है, बेरोजगारी होगी, काम नहीं है, भोजन चाहिए। अब भोजन चाहिए तो क्या करेगा? चैन स्नेचिंग करेगा, मोबाइल स्नेचिंग करेगा, और कुछ नहीं करेगा तो नशा तस्करी करना शुरू कर देगा, और कुछ नहीं करेगा तो मानव तस्करी, आदमी को मारेगा, मर्डर करेगा, उसकी किडनी निकाल के बेचेगा, उसकी आंत निकाल के बेचेगा। हर समस्या का समाधान हो सकता है लेकिन डॉक्टर अच्छा चाहिए। क्या अच्छा चाहिए? डॉक्टर। अब डॉक्टर चुनने की हमारे यहां कोई व्यवस्था नहीं ढंग से। शरीर के डॉक्टर के लिए ऑल इंडिया लेवल पे नीट होता है, नीट होता है ना, जो शरीर का इलाज करता है। लेकिन जिसको पूरे देश का इलाज करना है, जिसको पूरे समाज का इलाज करना है, उसका कोई एग्जाम होता है क्या? होता है कोई एग्जाम? इस देश में वास्तव में सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमें अच्छे डॉक्टर मिले, मतलब अच्छे सांसद विधायक मिले, संसद में अच्छे लोग पहुंचे, बेस्ट क्वालिटी संसद में पहुंचे, बेस्ट क्वालिटी विधानसभा में पहुंचे, और बेस्ट क्वालिटी नगर निगम में पहुंचे। अभी उल्टा हो रहा है, वर्स्ट क्वालिटी नगर निगम में जा रही, वर्स्ट क्वालिटी विधानसभा में जा रही, वर्स्ट क्वालिटी संसद में जा रही। जो बहुत अच्छा टैलेंटेड है वो तो 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में चला गया, मेडिकल में चला गया। जो उससे थोड़ा छटा 12वीं के बाद एनडीए में चले गए, सीए कर लिया, क्लैट में चले गए, ऐसे ऐसे करके निकल गए, क्रीम निकल गई 12वीं के बाद। सेकंड पोजिशन जो बची वो बीए बीएससी बीकॉम करके आईएएस आईपीएस बैंक पीओ रेलवे इसमें चला गया। अब जो कुछ नहीं कर पाया, न होमगार्ड बन पाया, न कांस्टेबल बन पाया, न क्लर्क बन पाया, कुछ नहीं बन पाया, उसने बोला हम अब समाज सेवा करेंगे। एक्चुअल में बोला हम, उन्हें कहता नहीं, ये नहीं कहता मैं पॉलिटिक्स करूंगा, पॉलिटिक्स बहुत गंदी हो गई ना, तब गंदा नाम नहीं लेता, बोलता हम समाज सेवा करेंगे। भैया सेना पे, सेना में हम ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम करते हैं, क्लैट और एनडीए। अच्छे वकील छांटने के लिए हमने ऑल इंडिया लेवल पे क्लैट शुरू कर दिया। बैंक में
बैंक मैनेजर बनाने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे पीओ शुरू कर दिए, हर जगह एग्जाम। लेकिन हमने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के तरह लेजिस्लेचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं शुरू किया, और इस पर संविधान में चर्चा हुई थी। जब यह संविधान बन रहा था तो दो विषयों पर चर्चा हुई कि हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट करना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट भी सेट करना चाहिए, और सबसे बड़े पैरोकार इसके बाबा साहब अंबेडकर थे। वो कह रहे थे हमें अनपढ़ अनाड़ी गंवार आदमी नहीं चाहिए संसद विधानसभा, हमें बेस्ट टैलेंट चाहिए संसद विधानसभा। लेकिन उस समय एक समस्या थी, समस्या यह थी कि ज्यादातर लोगों ने उस स्वतंत्रता संग्राम से में भाग लेना शुरू कर दिया, उसमें पार्टिसिपेट लेना शुरू करना शुरू किया, तो उनकी पढ़ाई छूट गई। बहुत सारे लोग जो बेस्ट टैलेंट थे, बहुत अच्छे जानकार थे, समझदार थे, चाहे वो बहुत सारे लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, रफी अहमद कदवई, मौलाना कलाम, ऐसे बहुत सारे लोग थे, उन लोगों की पढ़ाई छूट गई थी। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिए। तो इसके चक्कर में कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं आ पाया। दूसरा, इस स्वतंत्रता में भाग लेने के कारण बहुत सारे लोग ओवर एज हो गए, बूढ़े हो गए, 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, इसके चक्कर में मैक्सिमम एज लिमिट नहीं आ पाई। तो संविधान निर्माताओं ने यह कहा कि भाई अभी ऐसा कर देते हैं कि जो भारत का नागरिक हो, 25 साल का हो, वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में पार्लियामेंट इस पे कानून बनाएगा और कानून बना के मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम लिमिट करेगा। अब आप सोचो, जो आदमी जिले को चलाता है कलेक्टर, उसके ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम, जबकि कलेक्टर के पास कानून बनाने का अधिकार नहीं है। जो सबसे बड़ा काम है उसको कहते हैं कानून निर्माता, लॉ मेकर। जो आदमी दवा दे रहा है, वो एमबीबीएस किया, ट्रेनिंग किया, कोर्स किया, उसको दवा कौन सी देनी है कौन सी नहीं देनी पता, वैद्य को पता कौन सी जड़ी देनी कौन सी बूटी देनी पता, सैनिक को पता है कि अगर सामने से हमला होगा तो क्या करना है, सबकी सबकी बाकायदा ट्रेनिंग भी है, सबकी मिनिमम क्वालिफिकेशन भी है, सबकी मैक्सिमम एज लिमिट है जी। लेकिन जिसको देश का सबसे प्रमुख काम करना है, सबसे प्रमुख काम करना है लॉ मेकर, कानून बनाना है, उसके लिए ना मिनिमम क्वालिफिकेशन ना मैक्सिमम एज लिमिट, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं अगर सबसे पहला कुछ काम करना चाहिए तो सबसे पहले जैसे टीईटी होता है ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऐसे एलईटी शुरू करना चाहिए, लेजिस्लेचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सबसे पहले। क्या कहते हैं आप लोग, करना चाहिए नहीं? आप लोग बोल नहीं रहे, समझे नहीं, क्यों? सुनिए मत, आपका वीडियो है 5 करोड़ लोगों तक जाना है, तो आपकी आवाज यहां तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली रिकॉर्डिंग यहां पे हो रही है, तो जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? जैसे नीट, जेई, एनडीए, क्लैट होता है, टेट होता है, सीटेट होता है, ऐसे एलईटी भी, लेट भी होना चाहिए, लेजिस्लेचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक एग्जाम करा लीजिए अपने सांसद, जो आदमी सांसद बनना चाहे उसका एक एग्जाम, जो विधायक बनना चाहिए उसका एक एग्जाम, जो पार्षद प्रधान चाहिए बनना चाहे उसका एक एग्जाम। कुछ एक कूड़ा कचरा साफ होगा कि नहीं होगा, सफाई होगा कि नहीं होगा। इसलिए आप लोगों ने इंदौर को स्वच्छ कर लिया, आपको बधाई, आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन स्वच्छ इंदौर से ज्यादा जरूरी है स्वच्छ विधानसभा, स्वच्छ संसद, स्वच्छ नगर निगम। आपने सड़कें साफ कर ली, आपका नगर निगम का भी स्वच्छ होना चाहिए, अच्छे लोग आने चाहिए, राष्ट्रभक्त आने चाहिए, ईमानदार आने चाहिए, पढ़े लिखे आने चाहिए, क्योंकि उनके पास तो बहुत काम है। एक कलेक्टर से 50 गुना ज्यादा काम सांसद विधायक का है। दुर्भाग्यवश ऐसे ऐसे लोग सांसद विधायक बन रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग पार्षद प्रधान बन रहे हैं, जिनको उनकी ड्यूटी ही नहीं पता। जैसे पार्षद प्रधान की आर्टिकल 243H में बहुत लंबी ड्यूटी है, लेकिन आप किसी पार्षद प्रधान से पूछ लो, भैया आपको क्या क्या काम करना है, कहां लिखा है, उसने कभी पता ही नहीं उसको कि संविधान में उसकी ड्यूटी लिखी हुई है। विधायक सांसद से पूछ लो आपका क्या क्या काम है, बोलो जी मेरा काम जनसेवा करना, बोलो क्या क्या, फिर भी कुछ तो बताओ, बस जनसेवा करना।
फंडामेंटल राइट पता, ना फंडामेंटल ड्यूटी पता, ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल पता, ना उनको करना क्या ये नहीं पता। तो नतीजा ये हो रहा है, सांसद भी पार्षद वाला काम कर रहा है, विधायक भी पार्षद वाला काम कर रहा है, और पार्षद तो पार्षद वाला कर ही रहा है। भारत की 80% समस्याओं का समाधान कानून बना के हो सकता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आपके इंदौर में ड्रग फैल रहा है, आपके हर कॉलेज के आसपास सिगरेट के पैकेट में पुड़िया बिक रही है, देखने में सिगरेट है लेकिन उसके अंदर अफीम भरी हुई है, उसके अंदर गांजा भरा हुआ है, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें कानून की गलती है। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी गांजा बेचता हुआ पकड़ा गया सिंगापुर में, और कितना, मात्र 900 ग्राम, आप लोग गूगल कर लेना, फांसी हो गई। है किसी कीमत दोबारा सिंगापुर में गांजा बेचने की? हमारे तो मोहल्लों में, शायद आप लोग नोटिस करते हैं कि नहीं करते हैं, चौराहे में गाड़ियों में कांच लगा के उसके अंदर बेचा जा रहा है, कॉलेज के आसपास बेचा जा रहा है, नशीली दवाइयां बेची जा रही हैं। अब ड्रग स्मगलिंग को रोकना, अश्लीलता को रोकना, नशे को रोकना, ये समाज का काम नहीं भैया, ये काम उनका है, वो कानून बनाए। अगर भारत में ड्रग स्मगलिंग हो रही है, भारत में नशा तस्करी हो रही है, भारत में अश्लीलता फैल रही है, भारत में ब्लू फिल्में मोबाइल मोबाइल घूम रही है, भारत में वेब सीरीज घटिया बन रही है, कोई संस्कार नहीं दिखाया जा रहा है, केवल चोरी लूट झपटमारी दिखाई जा रही फिल्मों में, उसको रोकने का काम समाज का है क्या? लेकिन ध्यान रखिए, कहते नहीं समाज, याद रखिए, समाज और शासन के स्पीड में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो काम समाज 100 साल में कर सकता है, वो काम शासन यानी कानून 1 साल में कर सकता है। आप पूरे भारत को सिखाते रहिए हेलमेट अच्छा है, हेलमेट अच्छा है, हेलमेट लगाना अच्छा है, 100 साल में भी आप सबको नहीं जागरूक कर पाएंगे कि हेलमेट लगाना चाहिए। एक कानून बना दीजिए, जो हेलमेट नहीं पहनेगा ₹50,000 पेनाल्टी लगेगी, कल से आपको बिना हेलमेट का कोई नजर आएगा क्या? तो पावरफुल क्या हुआ, कानून या समाज? कानून। भारत में इतने सारे मौलवी कह रहे हैं सच बोलो, सारे पादरी कह रहे हैं सच बोलो, सारे महामंडलेश्वर कह रहे हैं सच बोलो, सारे धर्मगुरु कह रहे हैं सच बोलो, सारे कथावाचक कह रहे हैं सच बोलो, जब सब लोग कह रहे हैं सच बोलो, फिर इतना झूठ का कारोबार भारत में क्यों चल रहा है? जितने मौलवी, जितने पादरी, जितने कथावाचक, जितने महामंडलेश्वर भारत में है, इतने जापान में तो नहीं है? फिर जापान में आदमी झूठ क्यों नहीं बोलता? जितने मौलवी, पादरी, कथावाचक, महामंडलेश्वर भारत में, इतने सिंगापुर में तो नहीं है? फिर सिंगापुर में आदमी झूठ क्यों नहीं बोलता? ये भारत में इतना झूठी शिकायत, झूठे मुकदमे, झूठी गवाही, सब कुछ झूठा झूठा झूठा, क्यों? क्योंकि उसका इलाज हमारे लिखा हुआ रामायण में, भय बिन होय न प्रिय। भय होता है ना, आदमी बिल्कुल सही रहता है, दंड का भय। तो अगर हम चाहते हैं कि अहिल्या माता के सपनों का भारत बने, तो हमें दो काम करना पड़ेगा तत्काल। पहली बात तो एक, हमें एक देश एक विधायिका संहिता, वन नेशन वन लेजिस्लेचर कोड बनाना पड़ेगा। सांसदों विधायकों की मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करनी पड़ेगी, उनका मैक्सिमम एज लिमिट सेट करना पड़ेगा, उनके लिए ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम करना पड़ेगा, उनका कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में सीधे थोड़ी जज बनते हैं, पहले नीचे जज बनते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट बनते हैं। सीधे कोई कैबिनेट मिनिस्टर थोड़ी बनता है, सीधे कोई कैबिनेट सेक्रेटरी तो नहीं बनता, सीधे कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं बनता, अरे एसडीएम बनता है, एडीएम बनता है, फिर सेक्रेटरी बनता, फिर ऐसे बढ़ता जाता है। और भारत में कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने 25 साल के हुए अनपढ़ अनाड़ी गवार, संविधान को देखा भी नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे बाप की औलाद है कि पार्टी उन्हीं की है, पिताजी टिकट देने वाले भी पिताजी, जाति का जहर घोला, थोड़ा शराब बांटा, थोड़ा पैसा बांटा और जीत के पहुंच गए। तो इस देश में एक देश एक विधायिका संहिता, जो संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि देश के सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती, सबसे अच्छे लोग संसद विधानसभा में पहुंचे, वो तभी हो पाएगा जब इस देश में एक देश एक विधायिका संहिता लागू होगी। आशा करता हूं कि आप लोग भी इस बात से सहमत हों। अगर आप सहमत हैं तो एक बार जोर से बोलिए भारत माता की।
अब आया दूसरा बात, कुम्हार जब मिट्टी का बर्तन बनाता है उसका एक हाथ नीचे होता है एक हाथ ऊपर ऐसे रहता है, वो नीचे वाले हाथ से मिट्टी को सेप देता रहता है और ऊपर वाले हाथ से दबाता रहता है, नीचे वाले हाथ से उठाता रहता है ऊपर वाले हाथ से दबाता रहता है। या दूसरा किसान का एग्जांपल, किसान सीधे खेत में बीज बोता है उसके पहले कुछ और करता है, पहले जुताई करता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, खरपतवार की सफाई करता है, उसके बाद बुआई करता है। तो बुआई के पहले जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई, फिर बुआई। हमने वो सिस्टम एडॉप्ट नहीं किया। पहली बात तो अच्छे लोग संसद में पहुंचना कम हो गए, राजनीति लोगों को नफरत लगने लग गई, अच्छे लोग सोचते हैं मैं पहली बात तो टिकट नहीं मिलेगा, टिकट भी मिल गया तो जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए भैया बाहर ही रहो। अब इसके चक्कर में गंदे लोग पहुंच गए, भाई वो वैक्यूम तो रहेगा नहीं, खाली तो रहेगी नहीं, संसद तो ऐसा नहीं खाली रहेगी, विधानसभा खाली रहेगी, वहां तो लोगों को जाना ही है। अच्छे लोग सुस्त पड़ गए व्यवस्था के कारण या भ्रष्टाचार के कारण किसी और के कारण, तो गंदे लोग पहुंच गए। अब गंदे लोग पहुंच गए तो कानून कैसे बनाएंगे? हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत का संविधान बनाने से पहले 50 देशों का संविधान पढ़ा था और 10 देशों के संविधान की नकल किया, 10 देशों। हम लोग जब कानून बनाते हैं तो 10 देशों का कानून तो छोड़ दीजिए, इवन इतना नहीं पढ़ते कि अगर मध्य प्रदेश में कानून बन रहा है तो देख लें यूपी में कौन सा कानून चल रहा है, दिल्ली में कौन सा चल रहा है, राजस्थान में कौन सा चल रहा है, कौन सा, कम से कम अपने राज्यों में तो देख लें, क्या पता किसी राज्य ने हमसे अच्छा बनाया हो। तरीका तो यह है कि जैसे अपना घर बनाने के पहले 5 आर्किटेक्ट से बात करते हैं, अपना घर बनाने के पहले 10 नया घर देखते हैं, वैसे कानून बनाने के पहले कम से कम 10 देशों का कानून देख लेना चाहिए, जैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने किया। कुछ जापान से कॉपी किया, कुछ फ्रांस से कॉपी किया, कुछ आपके अमेरिका से कॉपी किया, कुछ ब्रिटेन से कॉपी किया, अलग अलग जगहों से कॉपी किया। वो व्यवस्था अब छूट गई, अब हम नहीं कॉपी करते, एक आएक बिल ड्राफ्ट करते हैं, पेश कर देते हैं, पास हो जाता है, बात खत्म। शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए इनफैक्ट पूरी दुनिया में देखना ही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था ठीक करने के लिए हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को देखना है, दुनिया में नहीं जाना। भारत की जीडीपी 40% थी चंद्रगुप्त के टाइम, आज हम 8% या 9% के आसपास जीडीपी पे रुके हुए हैं। तो क्यों? हमें देखना चाहिए चंद्रगुप्त के टाइम में क्या व्यवस्था थी। आज के 2,500 साल पहले अपराध बहुत कम थे, लोग बहुत ईमानदार थे, आज अपराध भी बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार भी ज्यादा है, झूठ भी बहुत ज्यादा है। तो एक बार हमें देखना पड़ेगा आखिर पहले क्या था।